यस स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं अपने सेकंड ज्योग्राफी और राजस्थान के बारे में, जिसमें हमने पिछले क्लास के अंदर बात की थी राजस्थान की जनजाति ट्राइब्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की है, जैसे हम पिछली कई क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, जिसमें ट्राइब्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और जिसमें हम पिछली क्लासेस के अंदर बात की थी राजस्थान की। सबसे पहले हमने मीना जनजाति को डिस्कस किया था, उसके बाद भील जनजाति को डिस्कस किया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी गरासिया जनजाति के बारे में। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं राजस्थान की एक और जनजाति के बारे में, जो कौन सी है, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जनजाति भी धरासिया के समान ही कुछ क्षेत्रों के अंदर एक फैली हुई जनजाति है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर राजस्थान की जनजातियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस जनजाति के 99% से अधिक जो भाग है इसका, वो मुख्य रूप से यहाँ पे फैला हुआ है। 12 जो जिला है राजस्थान का, उसका किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। यानी कि इस जनजाति का जो विस्तार, यानी कि आप कहें इसके जो क्षेत्र की बात करें, तो इस जनजाति का जो क्षेत्र है ये, यानी कि 99% से अधिक भाग इसका 12 जिले में निवास करता है, 12 जिले में फैला हुआ है। और 12 जिले में भी कहा, किशनगंज और शाहबाद तहसील जो है वहां पर ही इन क्षेत्रों के अंदर ही इस पूरी जनजाति का 99% से अधिक भाग बाहर चले गए किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर निवास करता है। ये जनजाति राजस्थान की जनजाति जनसंख्या है, इसमें लगभग 1% का भाग इस जनजाति का होता है, जिसके कई गोत्र होते हैं और इस जनजाति के जो गोत्र हैं वो राजपूतों के समान ही इनके गोत्र पाए जाते हैं, जैसे चौहान, देवरा, सोलकिया, कांधेल, ऐसे गोत्र भी इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से राजपूतों के गोत्र के रूप में होते हैं, उनके समान ही इन लोगों के गोत्र की व्यवस्था हुई है। आगे बात करते हैं अपने क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। हालांकि ये छोटी जनजाति है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में होती है। नेक्स्ट बात कर रही है इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। शहरी जनजाति के जो गांव है इनको शहडोल कहा जाता है, यानी कि इन लोगों के जो गांव है शहरिया जनजाति के जो लोग हैं उनके जो गांव होते हैं इनको कहा जाता है शहडोल। इन गांवों को शहडोल के नाम से जाना जाता है, इसमें इन लोगों के निवास होते हैं। ये लोग गांव के एकदम बाहर अपनी बस्ती को बसाते हैं, जिसे नाम कर दिया जाता है सहराना। सहराना क्या है कि गांव के एकदम बाहर ही इन लोगों के द्वारा बस्तियों को स्थापित किया जाता है, यानी कि जहां पर इन लोगों के द्वारा निवास किया जाता है। ये बस्तियों को जो गांव के एकदम बाहर होती है उसे कहा जाता है सहराना। शहडोल क्या है, इन लोगों के गांव है और शहडोल के पास में ही जो बस्तियां बसी हुई होती हैं, जिनके बाहर की लोग होती हैं, उन्हें कहा जाता है सहराना। और इस बस्ती में कोई भी गैर शहरिया जनजाति के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी
कोई भी व्यक्ति उनके अंदर निवास नहीं कर सकता है। इनके चेहरे जाति के अलावा इनकी जो बस्तियां होती हैं उस बस्ती के अंदर मुख्य रूप से शहरीय जनजाति के लोग ही निवास कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उनकी बस्तियों के अंदर जाकर निवास नहीं कर सकता है। इनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कहलाती है फला, यानी कि गांव की सबसे छोटी इकाई। जिसे फला कहा जाता है, गांव की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे फला कहा जाता है, तो इस तरीके की व्यवस्था इन लोगों की होती है। और शहरीय जनजाति के लोग जो हैं ये स्वभाव से संतोषी होते हैं, हिंसा और अपराध से दूर रहने वाले, यानी कि ये लोग सादा जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, जो किसी भी प्रकार की हिंसा कार्यवाही और लड़ाई झगड़े से और अपराध की जो श्रेणी है उससे दूर रहना इन लोगों के अंदर पसंद किया जाता है। ये लोग अपने स्वभाव के बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही पक्के होते हैं। ये इतने पक्के होते हैं कि ये लोग बेशक भूख से मर सकते हैं लेकिन कभी भी इन लोगों के द्वारा भीख नहीं मांगी जाएगी, यानी कि ये लोग भूख से मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इस तरीके से ये लोग मेहनती होते हैं, स्वभाव से संतोषी होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं और ये लोग सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। किसी भी प्रकार के अपराध या हिंसा जो होती है इन सभी से दूर ये लोग रहते हैं। इस जनजाति के अंदर बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है, यानी कि शहरी जनजाति के अंदर बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित होती है। घराशयों के समान ही इस जनजाति में वर्णमूल्य प्रथा भी प्रचलित होती है। जैसे हमने घराशय संबंध में बात की थी कि वर यानी कि लड़के के परिवार के द्वारा लड़की के परिवार को वैवाहिक भेंट देकर के उसका मूल्य चुकाया जाता है। इस तरीके की रस्म उन लोगों के अंदर भी प्रचलित है। सर्वोत्र के यानी कि एक समान गोत्र के अंदर विवाह लोगों के परिवार में नहीं किया जाता है, जैसे हिंदुओं में और या हम कहें घराशय जनजाति के अंदर जो बड़ा था विवाह व्यवस्था, उसके अंदर भी हमने बात की थी कि समान गोत्र के अंदर इन लोगों के द्वारा विवाह की व्यवस्था नहीं होती है और समान गोत्र वालों को आपस में भाई बहन से मिला जाता है। इस तरीके की व्यवस्था इस शहरीय जनजाति के अंदर भी पाई जाती है। और कन्या के गोद में मिठाई रख करके सगाई संबंध जो है इसको पक्का माना जाता है, जिसे गोद भराई की रस्म के रूप में जाना जाता है। और गांव के जो पंच लोग होते हैं उनके द्वारा ही शादी लोगों के बीच में कराई जाती है, यानी कि गांव के अंदर शादी की व्यवस्था जो की जाती है ये मुख्य रूप से पंच लोगों के द्वारा ही की जाती है। लड़के और लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो बालिग होने पर ही होती है, यानी कि जब ये वयस्क रूप में होती है तभी उन लोगों की शादी कराई जाती है, उससे पहले विवाह की व्यवस्था इस जनजाति के अंदर नहीं होती है। इस जाति के अंदर मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, यानी कि जो गाँव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, कोतवाल। जाति के अंदर जो मुखिया होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, कोतवाल कहा जाता है। श्रावण, श्राद्ध, नवरात्र, दस
दशहरा, दीपावली, होली, आदि ये सभी त्योहारों को इन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन इन लोगों के जो मुख्य त्योहार है वो हिंदुओं के मुख्य त्योहार के रूप में ही होते हैं और उन त्योहारों के रूप में ही हिंदुओं के त्योहारों को ही इन लोगों के मुख्य त्योहार के रूप में माना जाता है, जिसमें ये लोग होली, दिवाली, दशहरा, आरती, नवरात्र, श्रावण पक्ष और श्राद्ध वगैरह इन सभी को मनाते हैं। ये लोग पुआड़ की सब्जी भी खाते हैं और मेथी की पूर्ति इन लोगों के अंदर जंगल में पाया जाने वाला जो महुआ फल होता है उससे प्राप्त की जाती है, यानी कि जंगल के अंदर जो महुआ फल पाया जाता है उस फल के द्वारा इन लोगों के जो खाने की व्यवस्था है उसमें मीठे की पूर्ति की जाती है। सहेलिया लड़के और जो लड़कियां हैं ये मोटा मुंह और अच्छी कद कटी के रूप में होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, यानी कि इनकी शारीरिक व्यवस्था है, शारीरिक संरचना है, ये मजबूत होती है, यानी कि मजबूत कटका के रूप में इनके पर उनकी शारीरिक संरचना होती है और ये हृष्टपुष्ट होते हैं, तंदुरुस्त शरीर के होते हैं। लेकिन ये उतने मजबूत भी नहीं होते जितने की भील जनजाति के लोग होते हैं, यानी कि ये भील जनजाति के लोग सारे अधिक मजबूत होते हैं। ये मजबूत तो है लेकिन भील जनजाति के समान ये लोग मजबूत नहीं होते हैं। साक्षरता इनमें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इनकी लोग निरक्षर होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ना के बराबर भी इन लोगों के अंदर साक्षरता की स्थिति होती है। पुरुषों के अंदर यदि साक्षरता की बात की जाए तो 100 में से 2 से 2.5 व्यक्ति ही पढ़े लिखे होते हैं, जबकि स्त्रियां 100 स्त्रियों की यदि बात की जाए तो उसमें से भी यदि इसके आंकड़े की बात की जाए तो 500 स्त्रियों में से यानी कि 500 फीमेल्स में से कोई एक स्त्री भी इनके अंदर पढ़ी लिखी पाई जाती है। तो इनके अंदर साक्षरता का जो स्तर है, लिटरेसी लेवल है, वो बहुत ही डाउन है, बहुत ही नीचे है। ये लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इनके अंदर सामूहिक शक्ति से लड़ने की क्षमता होती है। ये लोग आज भी इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि इन लोगों के द्वारा आज की स्थिति में भी अपने अधिकारों के प्रति ये उतने सजग नहीं है, उतने अधिक मजबूत नहीं होते हैं और इतना अधिक विश्वास भी इनके अंदर नहीं है। इस वजह से ये इस स्थिति के अंदर अभी भी बहुत ही पीछे है, बहुत ही डाउन स्थिति के अंदर है। आगे बात करें हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में, शहरी जनजाति की आर्थिक व्यवस्था यानी कि आर्थिक अवस्था के बारे में। शहरी जनजाति के जो लोग हैं ये जहाँ पर समतल भूमि इनको मिल जाती है वहीं पर इन लोगों के द्वारा कृषि और पशुपालन किया जाता है, यानी कि समतल भूमि के अभाव में इन लोगों के अंदर कृषि का उतना भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर समतल भूमि की प्राप्ति होती है वहां पर इन लोगों ने द्वारा वहां पर मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन संबंधित कार्यों को किया जाता है। इन लोगों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें मुख्य जो फसल होती है जिसका उत्पादन इन लोगों के द्वारा किया जाता है वो फसल होती है ज्वार फसल, यानी कि ज्वार फसल का ही प्रोडक्शन इन लोगों के द्वारा किया जाता है और ये ज्वार की फसल का ही उत्पादन करते हैं और इनके मुख्य भोजन के रूप में भी इन लोगों के द्वारा ज्वार को ही उपयोग में लिया जाता है। ये लोग अन्न खाते हैं, साथ ही साथ ये लोग मांसाहारी भी होते हैं और ये लोग मांस का भी सेवन करते हैं। जंगल में लोगों के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसका उपयोग ये लोग भोजन के रूप में भी करते हैं
और शहरी जनजाति के जो लोग हैं उसमें से लगभग 45% लोग तो कृषि के ऊपर ही निर्भर होते हैं, जबकि 35% जनसंख्या जो है ये कृषक मजदूरों के रूप में कार्य करती है। यानी कि 45% तो लोग किससे हैं, कृषि के ऊपर डिपेंड है, जबकि बाकी 35% जो जनसंख्या है वो कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करती है। यानी कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है वहां पर ये लोग जाकर के अन्य क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जिसके बदले में उनको मजदूरी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये लोग वनों से लकड़ी भी प्राप्त करते हैं और वन इकट्ठे करने में उनको और खनन कार्यों की व्यवस्था भी उन लोगों के अंदर आई हुई है। यानी कि ये लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन के अलावा वनों से लकड़ियां एकत्रित करने का कार्य करते हैं, या वनों से जो उपज की प्राप्ति होती है, जैसे शहद है, बॉम है, पत्तियां हैं, इनका भी इन लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है और साथ ही साथ ये लोग खनन कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर मांगनी की एक संकल्प संस्था है जो यहाँ पर शहरी जनजाति के लोगों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो शहरी जनजाति के लोगों के क्षेत्र में इस जनजाति ये मांगनी संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यानी कि इनका उत्थान करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए मांगनी क्षेत्र के संकल्प संस्था के द्वारा इन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र के संस्था के जहाँ कई भी शहरों के संपन्न पढ़े लिखे जो युवक हैं ये सहरिया आदिवासी जनजाति है, इसके साथ में ये लोग रहते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं और इनको सामाजिक जीवन के रूप में संपन्न करते हैं। और वर्तमान जो स्थितियां है उनसे इन लोगों को संबंधित किया जाता है, यानी कि उन जानकारी उनकी जानकारी भी इन लोगों को दी जाती है। शहरी जनजाति के लोगों में नई चेतना को जागृत करने के लिए और साथ ही साथ इनमें जो शोषण हो रहा है उसका विरोध करने के लिए भी इन लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है, जो संकल्प संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी करके, जानकारी देकर इन लोगों के द्वारा इनका आर्थिक स्तर ऊंचा करने में और इनकी जो व्यवस्था है, जीवन शैली है, इन सभी को इन लोगों के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है और एक नए जीवन के प्रति चेतना को जागृत किया जा रहा है। तो ये बात थी अपनी इस क्षेत्र के सहरिया जनजाति के बारे में। इस तरीके से अभी तक हम बात कर चुके हैं राजस्थान की कई जनजातियों के बारे में और इसके अलावा हम राजस्थान की एक और जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जाना जाता है सांसी जनजाति के नाम से। आगे बात कर रहे हैं राजस्थान की एक और जनजाति के बारे में जिसका नाम है सांसी जनजाति। जैसे हमने अभी शहरी
उसी के समान सासी जनजाति का विस्तार भी राजस्थान के अंदर कुछ ही क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इसका जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कहाँ है, भरतपुर जिले के अंदर है। जैसे हमने बात की थी गरासिया जनजाति कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। सहरिया जनजाति कहाँ है, बारा जिले में। और सासी जनजाति का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से ये कहाँ पर है, भरतपुर जिले के अंदर इस जनजाति का विस्तार पाया जाता है। और भरतपुर में भी सभी क्षेत्र के अंदर नहीं है, कुछ क्षेत्रों के अंदर ही इस जनजाति का विस्तार पाया जाता है, जो थानापोस रूप में यानी कि घुमक्कड़ जीवन के रूप में घुमक्कड़ जनजाति के रूप में लोगों के द्वारा जीवन को व्यतीत किया जा रहा है। सासी जनजाति जो उत्पत्ति है ये मुख्य रूप से सासवल नाम का एक व्यक्ति है उससे इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। इसकी फॉर्मेशन यानी इसकी ओरिजिन की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि सासवल नाम का व्यक्ति था उसके द्वारा इस जनजाति को उत्पत्ति हुआ माना जाता है। सासी जनजाति मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बटी हुई है। ये जनजाति वर्तमान परिस्थिति के अंदर एक थानापोस जीवन के रूप में थानापोस जीवन इनके द्वारा व्यतीत किया जाता है। और इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वहां भी आपको बताई थी कि सासवल नाम का कोई व्यक्ति था उससे इसे उत्पत्ति मानी जाती है। ये जनजाति दो भागों में बटी हुई है, यानी कि इस जनजाति के दो भाग है, जो एक भाग तो है इसका बीजा और दूसरा भाग इसका क्या जाता है माला। जो सासी जनजाति है इसके दो भाग है, एक भाग तो है बीजा के नाम से और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है माला। तो ये दो भागों के रूप में इस जनजाति का विभाजन हुआ है। सासी जनजाति के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं हम। सोशल लाइफ और जो फैमिली लाइफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सासी जनजाति थानापुर रूप में एरिया है, हर्डिंग कल्चर के रूप में होती है, यानी कि ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों कहीं और। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा स्थायी रूप से निवास नहीं किया जाता है। ये लोग बहुत ही छोटे समय पर रुकने के लिए अपने घर बनाते हैं, उसके बाद दूसरे स्थानों पर ये लोग आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके की थानापुर जीवन हर्डिंग लाइफ के द्वारा उपयोग में ली जाती है। ये लोग बहुविवाही होते हैं, यानी कि लोगों के अंदर इन लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें ये लोग बहुविवाही के रूप में होते हैं, यानी कि मल्टी मैरिज के रूप में होते हैं। ये लोग बहुत शादियां करते हैं और विवाह को निश्चित करना इनके माता पिता का कर्तव्य माना जाता है। विवाह से पूर्व भी किसी भी प्रकार के कोई भी अनैतिक कार्य करना इन लोगों के लिए इलीगल माना जाता है, अनैतिक माना जाता है, अवैध माना जाता है। इन लोगों के अंदर परिवार के अंदर सगाई की जो रस्में होती है ये बहुत ही अनोखे तरीके से इन लोगों के अंदर सगाई की रस्मों को पूर्ण किया जाता है।
देश जातियों के लिए विशेष पहचान के रूप में है और इन लोगों के द्वारा सगाई या नसीब की बात की जाए तो जब दो खानदान सहयोग से घूमते फिरते किसी एक स्थान के ऊपर बैठ जाते हैं तो ये सगाई के रूप में मानी जाती है। यानी कि खाना दो समूह के कोई लोग आपस में जब घूमते फिर कहीं पर मिल जाते हैं तो इनकी सगाई मानी जाती है। और नारियों के डोले को देख करके ही लेन देन करने के बाद ये विवाह को पक्का मान लेते हैं। यानी कि इन लोगों के अंदर ये पारिवारिक स्थिति ये है कि खाना पुरुष जब किसी दो अलग अलग खाना पुरुष समूह है वो घूमते हुए किसी क्षेत्र के अंदर आपस में जब मिल जाते हैं तो इन लोगों के अंदर सगाई को माना जाता है। और विवाह को पक्का करने के लिए ये लोग नारियल का भी उपयोग करते हैं। नारियल के लिए करके ही इन लोगों के द्वारा विवाह को पक्का किया जाता है। राजस्थान के अंदर सांसी जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मृतक भाई कोई होता है, जैसे किसी औरत का किसी महिला का पति चल गया तो उसके जो दूसरा भाई है उसके साथ में उसकी शादी कर दी जाती है। और इसी तरीके से ये जनजाति अपने परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको किसी भी बाहर के पुरुषों के साथ में किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होने के लिए उनके ऊपर रोक लगाने का कार्य करती है और उसे भी एनएनए या अवैध माना जाता है। सांसी जनजाति इसका बेस की यदि बात करें और इसके मूल रूप की बात करें तो ये सांसी जनजाति मूल रूप से क्या है, हिंदू जनजाति के रूप में ही होती है। ये जनजाति इसमें कैसे ये कह रहे हैं कि ये जनजाति मूल रूप में हिंदू जनजाति की है और ये जनजाति इस जनजाति के अंदर जो के रक्त प्रवाह है जिनके पर्व वगैरह है ये हिंदू के समान ही इनके पर्व इनके त्योहार वगैरह होते हैं। इन लोगों के जो धार्मिक जीवन का उस धार्मिक जीवन के अंदर इन लोगों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं और प्राचीन पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनका निर्माण इन लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी बड़े त्योहार पर होली और दीपावली का जो त्योहार है उसके ऊपर ये लोग देवी माता के सामने भक्तों की बलि को भी चढ़ाते हैं। यानी कि उसके द्वारा भक्तों को बलि भी चढ़ाई जाती है। अब देवी देवताओं के सामने त्योहार के अवसर पर लोगों के द्वारा बलि प्रथा का भी प्रचलन है जिसमें ये माता के सामने बलि चढ़ाते हैं और बलि जो चढ़ाई जाती है वो मुख्य रूप से बकरों की बलि इनके द्वारा चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये लोग नीम पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की भी पूजा इन लोगों के द्वारा की जाती है। यानी कि इनका जो जीवन शैली है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इससे हिंदुओं से जुड़ी हुई जीवन शैली होती है। सांसी जनजाति के लोग ये लोग मांसाहारी होते हैं और इस जनजाति के लोगों के द्वारा शराब का सेवन भी किया जाता है। शिकार कार्य का उपयोग ये लोग भोजन के रूप में करते हैं। साथ ही मदिरा का सेवन भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। शराब भी इन लोगों के द्वारा अधिक उपयोग में ली जाती है। मांस के अंदर इन लोगों में लोमड़ी और सांड वगैरह का जो मांस होता है उसको ये लोग उपयोग में अधिक मात्रा में लेते हैं। आगे बात करें इस जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में आर्थिक स्थिति के बारे में तो सांसी जनजाति जैसे हमने बताया कि अर्णित जीवन के द्वारा उपयोग में ली जाती है। गुणवत्ता जीवन इन लोगों के द्वारा जिया जाता है इसलिए इनका स्थायी व्यवसाय किसी भी प्रकार का नहीं होता है। जंगली पशुओं का इन लोगों के द्वारा शिकार किया जाता है और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं या छोटे व्यवसाय के क्षेत्र के
जो उनके आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों के द्वारा मजदूरी का कार्य भी किया जाने लगा है, मुख्य कार्य के रूप में इन लोगों के द्वारा सेवा कार्य भी किया जाता है। और इनके नगरीय क्षेत्रों में आसपास के शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के अंदर इन लोगों के द्वारा श्रमिकों के रूप में कार्य किया जाता है। साथ ही साथ ये लागू करके इन लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी जो जीवन शैली है, उसमें भी सरकारी प्रोत्साहन से, सरकारी योजनाओं से इनके दैनिक जीवन के अंदर इनके लिए परिवर्तन होने लगा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं सासी जनजाति के बारे में। तो इसके साथ ही सासी जनजाति का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और बाकी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।